जो टॉपिक आज की इस बज़्म में मेरे जिम्मे है, टीचर्स अपनी एबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब मुझे ये टॉपिक दिया गया तो मैं शशोपंज का शिकार रहा। इसकी मुख्तलिफ जिहात पे सोचता रहा, बात कुछ समझ आती थी, फिर कुछ समझ ना आती थी। बहुत गौर के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरा मसला वर्ड हाउ नहीं है, मेरा मसला उससे पहले का था। सवाल क्या किया गया था कि असातिज़ा अपनी सलाहियतों को कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले एक सवाल इसी के साथ मुंसलिक होना चाहिए कि असातिज़ा अपनी सलाहियतों को क्यों बढ़ाएं, क्या जरूरत है। माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे समझदार एक पूरी नस्ल की तरबियत कर रहे हैं, तो क्या कोई जरूरत है कि जो सलाहियतें मौजूद हैं उनमें कुछ इजाफा किया जाए। अगर ये सवाल मेरे अंदर मौजूद ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ाना तो सामने ही नहीं आएगा। सलाहियतों में इजाफा क्या यह जरूरी है और यह क्यों जरूरी है। ये दो तीन सवाल इकट्ठे हो गए, इन्हें यहां रोकते हैं। कुछ और सवाल भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप तो तवक्को कर रहे थे कि मेरे पास सवालात के कुछ जवाब होंगे, लेकिन मैं खुद सवाल लेके और सवालों की एक फहरिस्त लेके आपके सामने खड़ा हूं। मेरा मानना यह है कि अच्छे उस्ताद के पास बहुत से सवालात के जवाब नहीं होते, लेकिन उसके पास बहुत से सवालात होते हैं। हमारा निजाम मुसलसल इस पर बुनियाद रखता नजर आता है कि असातिज़ा का काम यह है कि वो तुलबा को उनके सवालात के जवाबात तक पहुंचाएं। मुझे ये अजीब लगता है, मुझे ये लगता है कि एक उस्ताद का सबसे बुनियादी काम सवालात के जवाब तक पहुंचाना नहीं है, सवाल तक पहुंचाना है। जब सवाल मौजूद होंगे तो जवाब कैसे आते हैं कोई सोच भी ना सकेगा। मैं आपके सामने जब मौजूद हूं तो मेरे पास भी सवालात की एक फहरिस्त है। माशाल्लाह सब तालीम याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं। हां या ना में हाथ उठा के कुछ जवाब दे दीजिएगा। आपके माहाना बजट में, पहला सवाल है ये, आपके माहाना बजट का कितने फीसद हर सूरत कोई किताब खरीदने के लिए मखसूस है? 10%, 20%, 5%, क्या कहते हैं?
एक दो तीन चार पांच छह, पहला सवाल क्या था कि सलाहियतों में इजाफे की जरूरत क्यों है, और मेरा पहला सवाल यह था हम वो लोग जिनका ताल्लुक किताब और कलम से है हमारे जाती बजट की आखिरी प्रेफरेंस हो सकती है कोई किताब खरीदना, सही या गलत? इससे एक कदम आगे बढ़िए। अच्छा, और आप माशाल्लाह वो असहाब हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से दूर दराज से सफर करके यहां तक पहुंचे, जिनके अंदर ये प्यास और जिनके अंदर ये तड़प मौजूद है मजीद आगे बढ़ने की, तो वो जो किसी भी किस्म के किसी सेमिनार में किसी तरबियती वर्कशॉप में भी नहीं पहुंच पाते, उनसे मुतालिक हालात क्या होंगे? अच्छा, ये बताइएगा आप में से कितने साथीदा हैं जिन्होंने गुज़श्ता एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में अपने से सीनियर किसी उस्ताद के पास जाके रहनुमाई ली हो कि ये फला मेरी क्लास का मसला है, मुझसे हल नहीं हो रहा, आप रहनुमाई कर दीजिए। जी प्लीज, अगेन गिनती के चंद। तो जिन दोस्तों ने यह सवाल रखा था कि सलाहियतों में इजाफा कैसे करें, मैं उन्हें दाद देना चाहूंगा। आइए, वक्त महदूद है, इस पे बहुत तफसील से बात हो सकती है, लेकिन उन चंद लम्हों में जो हम यहां इकट्ठे मौजूद हैं कुछ इकदामात की तरफ चलते हैं। लेकिन इकदामात की तरफ जाने से पहले यह जरूरी है कि हमारे अंदर यह तड़प मौजूद हो, हमारे अंदर यह प्यास मौजूद हो कि हमें सीखना है, मुसलसल सीखना है। जहां तक अब पहुंचे हैं वहां से तो सीखने का अमल शुरू हो रहा है, या सब कुछ सीख चुके हैं? क्या कहते हैं आप लोग, सब कुछ सीख चुके? जहां तक पहुंचे यहां से सीखने का अमल शुरू होता है, सही या गलत? तो अगर यहां से सीखने का अमल शुरू होता है तो पहला काम जो मैं मशवरा दूंगा अपने आप को भी आप सबको भी, फर्ज कीजिए आज एजुकेशन के फील्ड में आपके करियर का आखिरी दिन हो, तो कुछ सवालात के जवाब खुद ढूंढ लीजिएगा। आप तालीम के मैदान में जब आए तो मकसद क्या था? जितना अरसा इस मैदान में रहे मकसद क्या था? क्या ऐसा हुआ कि एक मुअल्लिम के तौर पे आपकी जाती जिंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखने में कामयाब हो सके? क्या आपके कलीग्स और आपके स्टूडेंट्स के लिए आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे, या बेशुमार सवालात हैं? जब भी एक मरहले तक आके उससे आगे चलने का सोचते हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि यहां तक का तज्जिया करें। मेरा मशवरा ये होगा कि आज रात
तन्हाई में बैठ जाइए कलम लेके कागज लेके, तज्जिया कीजिए अपना एक उस्ताद के तौर पे, आपसे ज्यादा आपको कोई और नहीं जानता। जब भी आप अपनी सलाहियतों में इजाफे की बात करेंगे तो यह जानना जरूरी है कि आप इस वक्त कहां हैं। जब आप यह तज्जिया कर लेते हैं उसके बाद चार पांच, अभी कुछ दोस्त मिले उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पिछले साल आपने वो चार बातें बताई थी तो आज ऐसा करते हैं पांच कर लेते हैं। एक, सलाहियतों में इजाफे के लिए पहला यहां तक का तज्जिया, दूसरा सोशल मीडिया यूज करते हैं या नहीं करते हैं, सोशल मीडिया किसी मकसद के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या आप जानते हैं कि टीचर्स के लिए कितने फोरम्स मौजूद हैं। अगर नहीं जानते तो ऐसा कीजिएगा ट्विटर पे खासतौर पे और यूट्यूब में आमतौर पे जरा चेक कीजिएगा फोरम्स फॉर टीचर्स, आपको इतना मवाद मिलेगा, आपकी रसाई वहां तक होगी और यहां की भी इंटरनेशनल भी बहुत कुछ मौजूद है। वो जो वक्त हम उसे देते हैं उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए। मेरा पहला पॉइंट था अपना तज्जिया और दूसरा है सोशल मीडिया में जो ग्रुप्स हैं टीचर्स के लिए, जो फोरम्स मौजूद हैं उन फोरम्स को ज्वाइन कीजिए, उनकी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए। मैं सिर्फ वीडियोस देखने की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कीजिए, यू विल लर्न अ लॉट। तीसरा, गुज़श्ता कुछ अरसे में जहां बैठते हैं ये टेक्नोलॉजी, जहां बैठते हैं वो टेक्नोलॉजी, आपके पास जो बुक्स हैं उनके साथ भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज, उनकी कहीं कोई ऑनलाइन सपोर्ट मौजूद है, कहीं कोई सीडीज मौजूद हैं, कहीं कोई वीडियोस मौजूद हैं, खुद इस्तेमाल कीजिए, खुद इस्तेमाल करना सीखिए। टेक्नोलॉजीज का यूज जो एजुकेशन के लिए जो एप्स मौजूद हैं उन्हें सीखिए। अच्छा, नंबर फोर, रीड रीड एंड रीड। सीखने के जो जराए मौजूद हैं टेक्नोलॉजी के अलावा, और जहां मैंने एक सवाल भी किया था, अपना टारगेट मुतय्यन कर दीजिए, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। टीचर की पहचान, मुझे नहीं पता आप इत्तेफाक करेंगे या इख्तलाफ, टीचर की पहचान पढ़ाना नहीं है, उसके अंदर इतना कुछ जमा किया चला जाता है कि उसके अंदर से रोशनी फूटना शुरू हो जाती है। वो जो सिलेबस की सूरत में चंद चीजें एक खास प्लान के तहत करना होती हैं, अल्लाह के बंदो, वो टीचर के मनसब के एक आला मनसब का एक छोटा सा काम है। मैं उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन यकीन मानिए वो बुनियादी काम नहीं है। पूरी तारीख में आप जिस उस्ताद की भी बात करेंगे उसके इल्म के मर्तबे की बात करेंगे,
तो ये सवाल बनता है या नहीं कि हम सब का अपना अपना इल्म हासिल करने की तड़प कितनी है, कितनी किताबें हैं जो हर सूरत हमें पढ़ना है, हफ्तावार या महाना, साल का टोटल क्या है, कौन सी किताबें? जो आपका दिल चाहे। मैं कौन हूं कोई खास समत मुतय्यन करने वाला, आपका जी चाहता है फलसफे की किताब पढ़ने को जरूर पढ़िए, आप शायरी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, आप लिटरेचर अफसाना नावल कुछ पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़िए, आप साइंस की लेटेस्ट रिसर्च पे कुछ कॉलम्स कुछ पेपर्स पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़िए, जो आपका जी चाहता है। मेरा मशवरा सिर्फ एक है, कंटेंट नहीं, रीड रीड एंड रीड। 24 घंटों में कितना वक्त, अखबार और सोशल मीडिया के अलावा किताब के लिए हम सब 24 घंटों में कोई मखसूस वक्त है अपने पढ़ने के लिए? जिनका है उन्हें सलाम, और जिनका नहीं है करके देखते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 24 घंटों में से कोई से दो घंटे रोजाना ये मेरे लिए हैं, मेरी अपनी सलाहियतों मेरे अपने इल्म में इजाफे के लिए हैं, मुझे सीखना है मुसलसल 24 में से दो घंटे, ज्यादा तो नहीं कह रहा यार, ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, होता यह है कि आपको सोचना पड़ेगा ना कौन से दो घंटे, वो गैर जरूरी मसरूफियात फैल के आपके 24 घंटों पे कब्जा कर चुकी होती हैं, आपको उनमें से फैसला करना होगा कि किन को एक तरफ लगाना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे मैं कहूंगा 24 में से दो घंटे। कहीं पढ़ा था किसी भी फील्ड में BIW, किसी भी फील्ड में BIW बनने के लिए यह जरूरी है कि उस फील्ड से मुतल्लिका मटेरियल सिर्फ 10,000 घंटे। लेकिन ये BIW क्या है? किसी भी फील्ड में BIW बनने के लिए बेस्ट इन द वर्ल्ड BIW, किसी भी फील्ड में जिस फील्ड में भी आप हैं उसका बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने के लिए एक स्टैटिस्टिकल मैार दे रहा हूं, कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ 10,000 आवर्स आपने उस फील्ड की स्टडी में गुजारे हो, फैसला आपने करना है कि क्या आप अपने फील्ड का बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना चाहते हैं या नहीं। और अगर चाहते हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज भी एलोकेट करने होंगे इसके लिए, रिसोर्सेज बोथ फाइनेंशियल एंड जो सबसे कीमती रिसोर्स है आपका टाइम। और अच्छा, ये रीड, ये तो बात वहीं पे आ गई जहां से बात शुरू हुई थी, इकरा। चार बातें हो गई, अगर अंदर की प्यास फिर भी नहीं बुझती तो याद रखिएगा कि किताबों से इंसान बहुत कुछ सीखता है लेकिन किताबों से भी ज्यादा इंसान दूसरे इंसानों से सीखता है। तो जहां कहीं
आपकी अपनी सलाहियतों में इजाफे के लिए, बेहतरी के लिए आपको नजर आता है कि मौका मौजूद है, कहीं से कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर पहुंचिए। कोई वर्कशॉप्स, कोई ट्रेनिंग्स, मेरे नजदीक बहुत सारी चीजों में से गिनती के चंद निकात हैं जो आपके सामने रखे हैं। ये पांच निकात जो मुसलसल बेहतरी के लिए हैं, और मुसलसल बेहतरी के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो कुछ हम आज सीख रहे हैं आज की दुनिया में, आज इस लम्हे में जो कुछ हम आज सीख रहे हैं, अब से चंद महीनों के बाद, मैं डेकेड्स का नहीं कह रहा, मैं सालों का नहीं कह रहा, चंद महीनों के अंदर जो कुछ हमने सीखा होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब्सोल्यूट हो जाता है। आपको मुसलसल, मेरे समेत हम सबको मुसलसल सीखना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास असनाद मौजूद होंगी, डिग्रीज मौजूद होंगी, और नॉलेज, बच्चे कहेंगे पापा मामा के पास इनके दौर की चीजें हैं, शागिर्द कहेंगे उन्होंने इनसे छोड़े, ये 20 साल पहले का पढ़ा हुआ है इन्होंने, उसके बाद पढ़ा ही कुछ नहीं था। और अगर इररेलेवेंट हो जाएंगे तो इररेलेवेंट अफराद की जगह मुआशरे और इदारों के अंदर नहीं होती। आज के लिए ये चंद गुजारिशात, और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए मैं हाजिर हूं, अभी या जब पैनल डिस्कशन है उसके बाद भी। फील फाउंडेशन ऑफ एफेक्टिव एजुकेशन एंड लर्निंग।